Hello students. Now welcome to the second class on economics. Now अब तक हमारा दो classes basically हो चुका है, introductory class हो चुका है, उसके बाद में we have dealt with about the modes of production, and then उसके बाद में हमने deal किया था types of economic systems. Adam Smith ने क्या कहा है? Capitalism होना चाहिए. Karl Marx ने क्या कहा है? Communism होना चाहिए. Keynes कहते हैं mixed economy होना चाहिए. देखिए, इकोनॉमी का सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द टॉपिक ऑफ इनकम. जब तक आपको इनकम नहीं पता होगा अपने घर का भी, आप अपने घर पे कितना खर्चा करना है, कितना सेविंग्स करना है, कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे. So that will become very difficult for you. So it is very important to understand कि आपकी कमाई कितनी है. देखो, कमाई it is not a factual thing. It is not like that कि मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए ये highlighter है, and ये highlighter का क्या dimensions है, इस highlighter का क्या color है. मैं अगर बताऊं इस highlighter का orange color है, orange और ये black है, तो इट मींस ऑरेंज और ब्लैक ही है. कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इसका शायद रेड है, या शायद ये मुझे ग्रीन लग रहा है, या शायद मुझे ये ब्लू भी लग रहा है. कोई तीन तरह के ऑप्शन नहीं देगा. बट व्हेन इट कम्स टू इनकम, इनकम का कंसेप्ट इट इज नॉट लाइक वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट. नो, व्हाट इट मींस, इनकम को बहुत पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है. Now I will give you, पहले मैं आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप लोगों को इनकम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए. सी, लेट अस सपोज आई एम अर्निंग 1 lakh rupees पर मंथ. अगर मैं 1 lakh rupees कमा रहा हूं, सो दैट इज बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज. क्योंकि इनकम कब होती है? इनकम हमारा होता है जब हम कोई प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, नया प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हमारी इनकम कब होती है? जब हम किसी को सर्विसेज देते हैं और उन सर्विसेज के लिए हमें लोग पे करते हैं. लेट अस सपोज बाय सेलिंग माई सर्विसेज, माई एजुकेशनल सर्विसेज, आई एम अर्निंग 1 lakh rupees. तो मेरा कमाई 1 lakh rupees हो रहा है. बट अभी जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे डायमेंशंस हैं एजुकेशन को ले, इसको इनकम को लेके आप इसको इजीली जज नहीं कर पाते. अब एक डायमेंशन तो है कि मेरा कमाई 1 lakh rupees हुआ है इस महीने. सो दिस इज वन डायमेंशन. सेकेंड डायमेंशन इज कि हाँ, मेरा कमाई तो 1 lakh rupees हो गया है, बट बाहर अगर देखें तो महंगाई भी बहुत बढ़ गया है. तो 1 lakh rupees मेरा कमाई नहीं है. माई कमाई इज नॉट 1 lakh rupees, इट इज 1 lakh rupees माइनस इन्फ्लेशन, महंगाई. अलग से क्लास करूंगा मैं इन्फ्लेशन के ऊपर. तो मेरी कमाई से इन्फ्लेशन निकल जाएगा. तीसरा डायमेंशन इसका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन, इस 1 lakh rupees को कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेरे बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे. हम कैमरा को यूज करते हैं, कैमरा का एक डेप्रिसिएशन होता है. हम बोर्ड को यूज करते हैं, हम हाईलाइटर को यूज करते हैं. तो वो सारा पैसा भी माइनस होना चाहिए अगर हम रियल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हैं. क्योंकि 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद कैमरा खराब हो जाएगा तो मुझे नया कैमरा बाय करना पड़ेगा, 1 lakh rupees फिर कैमरे के ऊपर लगाना पड़ेगा. तो रियल जो इनकम रहेगा एक मंथ का, उसमें डेप्रिसिएशन को भी काउंट करना पड़ेगा. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी मेरा इनकम हुआ है, क्या इस इनकम पे मैंने टैक्स पे करना है या मैंने अभी टैक्स पे नहीं करना है? जो भी इनकम मुझे जनरेट हुआ है, क्या इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है, क्या इसमें टैक्सेस एक्सक्लूडेड है? सो दैट इज अनदर डायमेंशन. तो कमाई मेरी 1 lakh rupees हो रही है, बट उस 1 lakh rupees को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं. देखिए, हम देश के इस कंसेप्ट को, इनकम के कंसेप्ट को क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जब तक हमें देश की इनकम का आइडिया नहीं रहेगा, सरकार सब्सिडी नहीं दे पाएगा, सरकार को पता नहीं लग पाएगा कितना लोगों को कमाई हो रहा है और कितना टैक्स कलेक्शन करना है. गवर्नमेंट विल नॉट हैव एन आइडिया
कि किस सेक्शन का पैसा कम कमा रहा है, कौन सा सेक्शन, और कौन सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज्यादा पैसा कमा रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंगली जो है टैक्सेस लेवी किए जाएंगे. सो दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट दिस इनकम कंसेप्ट. अभी तो जनरली इसको समझा, अभी हम इसको विल बी अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज परस्पेक्टिव. बहुत सारा टर्म यूज होता है. नाउ जिस तरह से मैंने आपको इनकम के बारे में बताया, लेट अस सपोज हमारे देश का इनकम कितना है. लेट अस सपोज इट इज $100 billion. And this is just an example I am taking. This is not the exact figure, because exact figure is more than this. Now it is, let us suppose it is 100 billion. Now is 100 billion ki calculation, ye bhi to pata karna hai hame ki hamara economy kitna grow kiya hai. Sabse important cheez to ye hai. Agar mera kamai 1 lakh rupaya hai, that really doesn't, now whether it is a good thing or bad thing, ये अच्छी चीज है कि ये बुरी चीज है. मेरा कमाई 1 lakh rupees है, ये अच्छी चीज होती अगर हम इसको सिंगुलरली ऑब्जर्व करते, बट अगर हम इसको रिलेटिवली ऑब्जर्व करेंगे देन ये 1 lakh rupees शायद अच्छा चीज नहीं होगा. लेट अस सपोज मेरा पिछले महीने कमाई 5 lakh rupees था और इस साल मेरा कमाई 1 lakh rupees हो गया. सो इट मीन्स दैट देयर इज अ डिक्लाइन, ग्रोथ नहीं हो रही है. सो दैट अगेन विल बी अ कंसर्न फॉर द कंट्री. तो देश इतना भावुक क्यों हो जाता है जब हम कहते हैं कि देश का जीडीपी कम हो रहा है. भैया देश की कमाई कम हो रही है, देश की कमाई कम हो रही है, देश में इन्वेस्टमेंट कम होगा, देश में इन्वेस्टमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा, देश के आउटपुट कम होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 100, लेट अस सपोज द इनकम ऑफ द कंट्री इज 100 billion. अब 100 billion का इनकम इट विल नॉट गिव अ काइंड ऑफ अ मैसेज टू द गवर्नमेंट कितना ग्रोथ हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ इस ग्रोथ को जज करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टैंडर्ड पॉइंट रखा जाता है जिसके बेसिस के ऊपर हम जज करते हैं कि इनकम हमारा इंक्रीज हुआ है कि इनकम हमारा डिक्रीज हुआ है. नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज द बेस ईयर. ये पॉइंट क्या है? ये बेस ईयर रहता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बेस ईयर से आप बेसिकली बताते हैं कि इनकम बढ़ा है कि इनकम कम हुआ है. नाउ व्हेन यू कैलकुलेट योर इनकम, द इनकम ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर, बेस ईयर के हिसाब से अगर आप इनकम को कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेशन को क्या कहा जाता है? कैलकुलेशन ऑफ द इनकम, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस. नो दिस इज द टर्म, कॉन्स्टेंट प्राइजेस. थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, मेरे से थोड़ा फास्ट मोड में नहीं बोला जा रहा. तो कॉन्स्टेंट प्राइजेस इसको बोलते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जब हम अपनी इनकम को, क्योंकि करंट हमारा इनकम कितना है उसको भी कैलकुलेट करेंगे कॉन्स्टेंट प्राइजेस में, मीन्स बेस ईयर के बेसिस के ऊपर. बट जब हम इस साल देखते हैं हमारी कितनी कमाई हुई है, लेट अस सपोज 1 lakh rupees कमाई हुई है, दैट विल बी एट द करंट ईयर. विच ईयर? करंट ईयर. सो द बेस ईयर विल गिव अस एन आइडिया अबाउट कि हमारा ग्रोथ कितना हुआ है. करंट ईयर विल गिव अस एन आइडिया अबाउट कि हमारा अभी पैसा कितना कमाया है हमने. एंड दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी नॉमिनल जीडीपी. कौन सा उस जीडीपी को कौन सा बोलते हैं? नॉमिनल. और नॉमिनल का ऑपोजिट क्या है? रियल जीडीपी. रियल जीडीपी आपके सामने कब आता है? जब आप महंगाई को निकाल देते हैं. आपने बहुत पैसा कमा लिया, आपने 10 lakh rupees कमा लिया है, यू आर वेरी हैप्पी. बट ऑल्टो की गाड़ी 15 lakh rupees की हो गई है, BMW 1 crore rupees का हो गया है, जो रेंट है रहने के लिए वो 1 lakh rupees हो गया है, ऊबर आपसे 2000 rupees चार्ज करती है 2 किलोमीटर के, सबवे का बर्गर 3000 rupees का हो गया है, शूज जो है आते वो आपके 30,000 rupees के होते हैं, तो आपकी कमाई बहुत कम हो गई. इसका मतलब तो रियल जीडीपी जानना बहुत जरूरी है. उसमें से आप महंगाई के फैक्टर को निकालते हैं तभी आपको अपने पैसे की रियल वर्थ का पता लगता है, नहीं तो रियल वर्थ का पता नहीं लगता. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. देखिए 5-6 कंसेप्ट है हमारे पास. वन इज द रियल जीडीपी,
अनदर इज नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट है. देन वी हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड देन वी हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट. नाउ देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अनदर कंसेप्ट दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी. उसके बाद में एक और हमारे पास कंसेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देन वी हैव गॉट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो अलग अलग तरह के ये सारे कंसेप्ट है. अभी मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको. देयर विल बी 10 मिनट्स ऑफ मोर दैट आई विल बी थियोराइजिंग ऑन दिस. नाउ व्हेन इट कम्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. देखिए हमारे घर में लेट अस सपोज 5 लोग रह रहे हैं, उसमें से एक लोग है, एक जन है जो कमाई कर रहा है, 4 लोग खाने वाले हैं, नहीं 3 लोग खाने वाले हैं और एक हमारे घर में हमने नौकर भी रख रखा है. नौकर को भी हम पैसा देते हैं, ठीक है, नौकर भी पैसे कमा रहा है. तो इट विल नॉट बी लाइक दैट कि घर की कमाई कितनी है, 1,00,000 रुपया है और घर पे जो नौकर हमने रखा हुआ है काम करने के लिए या जो हमारे घर में कुछ भी काम करके गया है, लेट अस सपोज हमारा गैस कनेक्शन ठीक करके गया है, हमारा एसी ठीक करके गया है, वो हमारे घर से 300 रुपया कमा के गया है, तो इट डजंट मीन कि हम उसको भी ऐड करेंगे अपनी इनकम में. क्योंकि बहुत सारे लोग, आज की डेट में हमारा पूरा इकोनॉमी खुला हुआ है देश का, इट इज एन ओपन इकोनॉमी, इट्स नॉट इंटायरली ओपन, बाद में डिस्कस करेंगे, बट इट इज एन ओपन इकोनॉमी, पीपल कैन कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया. आपने कंसेप्ट सुना होगा FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यहां पे आके कोई लोग पैसा लगाएगा, पैसा लगाएगा तो कमाई भी तो होगा उनको, वो कमाई तो उन्हीं का है, वो कमाई हमारे देश से बाहर चला जाएगा. क्या उस कमाई को देश का कंसिडर करना चाहिए कि उसको नहीं कंसिडर करना चाहिए, इसके भी दो परस्पेक्टिव हैं. इसी की वजह से दो तरह का कंसेप्ट आ गया इनकम को कैलकुलेट करने का. वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड अनदर इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कि विद इन द टेरिटरी, अगर हिंदुस्तान का अगर हम देखते हैं, लेट अस सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, एंड अगर इस पूरी टेरिटरी में जितने लोग भी काम कर रहे हैं अगर उनकी इनकम को कैलकुलेट करना है, दैट विल बी नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगर इंडियंस हमारे बाहर हैं, मैं डॉट लगा रहा हूं ये वाले सारे, ठीक है ना, ये डॉट लगा रहा हूं, ये सर्कल्स लगा रहा हूं मैं, इन सर्कल्स में वो लोग हैं जो बाहर वाले लोग हिंदुस्तान में आए हुए हैं काम करने के लिए, हिंदुस्तान में आए हुए बाहर वाले लोग, किसी अलग देश का, कहीं यूएसए का है, ये रशिया का है, ये कनाडा का है, वो अपना इनकम बाहर भेजेंगे और जो हिंदुस्तानी बाहर है वो अपना इनकम इंडिया में भेजेंगे. सो वो जो कंसेप्ट है दैट इज अबाउट नेशनल आ जाता है उसमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एक हमारे पास, एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है. डोमेस्टिक में विद इन द टेरिटरी है, नेशनल में We will be seeing कितना हमें पैसा आ रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, वो प्लस माइनस किया जाएगा, नेट उसमें से निकाल के हम इनकम में उसको ऐड कर देते हैं. Now another concept that we have is GDP at factor cost and GDP at market cost. देखिए इनकम को कैलकुलेट करने के बहुत नजरिए हैं, बहुत तरीके हैं. This is another way of calculating the income of a country. GDP at factor cost. Now what is the factor cost and what is market cost? देखिए मार्केट में जो चीजें आती हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देश की कितनी कमाई हुई है, देश ने कोई प्रोडक्ट बनाया, लेट अस सपोज देश ने टीवी जनरेट किया, नया टीवी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बाद में बताऊंगा किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कमाई को कैलकुलेट करने के लिए. लेट अस सपोज देश ने टीवी बनाया है, देश ने टीवी बनाया है हमारे, उस टीवी के ऊपर जब वो सेल होगा तो उसके ऊपर टैक्स भी जरूर लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड हो सकता है गवर्नमेंट जो बाय करने आए उसको सब्सिडी दे दे, टीवी 40,000 का था और सब्सिडी में वो 35,000 का दे रहे हैं. तो जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट में क्या है, जो प्रोडक्ट की रियल वैल्यू है वो 40,000 रुपया थी, सरकार ने उसमें से टैक्स नहीं लगाना है एंड सब्सिडी को माइनस कर देना है. सो दैट विल बी जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
यहां पे आप 40,000 रुपए का टीवी है प्लस आप टैक्स लगाएंगे माइनस सब्सिडी कर देंगे। सो दिस इज द मार्केट कॉस्ट, क्योंकि मार्केट में आपको चीज कितने की पड़ रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में टैक्स लग के आपको चीज पड़ेगा, बट आपको सब्सिडी मिली है तो रियल वैल्यू है उस प्रोडक्ट का जो जनरेट हुआ है, दैट इज विद द टैक्स, बट यू आर पेइंग अ लेसर प्राइस। तो सब्सिडी को एक्सक्लूड कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट पे। देन अनदर कंसेप्ट दैट यू हैव इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या है, यू डोंट कंसिडर द टैक्सेस बट यू कंसिडर वॉट द सब्सिडी। यहां पर टैक्सेस को माइनस करेंगे, माइनस टैक्स बट सब्सिडीज विल बी एडेड, यहां पर सब्सिडीज माइनस है। तो ये भी एक अलग कंसेप्ट है देखने का। नाउ और जो कंसेप्ट है इनकम को देखने का, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज वेरी वेरी इजी। इसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं कि जो भी सामान लग रहा है आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखिए इनकम क्या चीज है, अब वापस आ रहे हैं इनकम के कंसेप्ट के ऊपर। ये सारा बहुत इजी कंसेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया है। नहीं कुछ समझ आएगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 84594 Penta 0, आई विल एक्सप्लेन यू। वॉइस नोट भेज दीजिएगा, टाइप नहीं कर पाता मैं बहुत सारी चीजें, सारा दिन टाइप करना बहुत मुश्किल रहता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग इनकम, देखो इनकम को कैलकुलेट करने, खास करके देश की इनकम को कैलकुलेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें उनको ध्यान में रखना पड़ता है। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जीडीपी और जीएनपी इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन न्यू प्रोडक्ट्स। सेकेंड हैंड जब आप सेल करते हैं प्रोडक्ट, आपने ओएलएक्स पे कोई चीज बेच दी, आपको कमाई हो गया, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। आपने काले धंधे करके कुछ पैसा कमा लिया है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द नेशनल इनकम। आपका कमाई 1,00,000 रुपया था, आपने कुछ इलीगल धंधा शुरू कर लिया, दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ द इनकम, बिकॉज लीगली यू कांट यूज दैट इनकम, दैट इज इलीगल इनकम, उसको हमने फाइट करना है, दैट इज अ ब्लैक मनी। सो ब्लैक मनी इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड हैंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन गुड्स इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then another very important thing about this concept of income is that this income needs to take into consideration the factor of inflation also. तो inflation को भी हमें exclude करना पड़ेगा, depreciation को भी exclude करना पड़ेगा, हमारी reality में कितनी income हो रही है उसको देखना पड़ेगा। And you will not be considering, अगर आप किसी को, सरकार किसी को पैसे दे रही है, किसी को पेंशन दे दी है, let us suppose सरकार ने पेंशन दी, उसको तो कमाई हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, कमाई नहीं हुआ है, बिकॉज नथिंग न्यू इज बीइंग जनरेटेड। इनकम का क्या मतलब है, कोई नई सर्विसेज क्रिएट करना या ना नया कोई प्रोडक्ट बनाना, उस पर जो इनकम आपको बनेगा, दैट विल बी नोन एज द इनकम ऑफ द नेशन। तो अलग अलग तरह के परस्पेक्टिव विद इन द टेरिटरी है, और उनको मैच करने के लिए वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक एंड नेशनल वर्ड चेंज हो जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट कॉस्ट है, बेस ईयर के बेसिस के ऊपर उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी कॉन्स्टेंट ईयर। करंट में इन्फ्लेशन आ जाती है, वो रियल फिगर नहीं बताती है, डिस्टॉर्टेड फिगर है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन अपॉन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। एक बार हमें इनकम का कंसेप्ट पता चल गया, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी का कंसेप्ट पता चल गया, उसके बाद में हम बड़े बड़े कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब डील करेंगे। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।